ये आ गए जी। यार ऐसे ना मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, लेकिन जब मैं अपने पुराने कपड़े पहनती हूँ और मैं बिल्कुल भी फिट, मतलब पानी वानी पी लेते यार, इस तरह से पानी पीने का जो मजा आता है ना। चटनी ले जाने क्योंकि आंटी ने चटनी बनाई है अनार वगैरह। ये देखो इतने सुंदर लगते हैं ना ये सारे। और जहाँ हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो अभी 5:30 टाइम हो रहा है 5:30 का, और आज दिन से ऐसे वीडियो शूट नहीं किया वाला, मेरा मन नहीं था, और मेरे को ना हल्का सा जुकाम हो गया है क्योंकि ऐसे प्लम वगैरह खा रहे हैं ना आजकल, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया तो ठंडा पानी फ्रिज का बहुत ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा जुकाम हो गया। इसको भी जुकाम हो गया गोले को। तो अभी हम लोग यहाँ छत पे बैठे थे और आजकल दिन भर ऐसे ही है, गेस्ट वगैरह आए थे। नहीं मुनू गोले गिर जाएगा गोले। तो फिर गेस्ट वगैरह आए थे तो आजकल मन थोड़ा सा ऐसे ही है, मम्मी और मैं ही है घर में अकेले। पापा वगैरह शिमला है IGMC, और दलजीत भी पापा के साथ ही है, हम दो ही आजकल। हम लोग आज भी शिमला जाने वाले थे बट पापा ने मना कर दिया, हमने बोला कि हम आ रहे हैं, उनने फिर ऐसा कर दिया कि नहीं हम ठीक है। उनके वैसे चाचू और मामू भी गए बट फिर भी उन्होंने मना कर दिया, मेरे को बहुत जुकाम हो रहा है गाइज। तो पूरा दिन भर घर में ऐसे ही बैठे थे वेले, अभी सोचा थोड़ा सा ऐसे ही वॉक कर लेती हूँ, घूमने तो क्या, खेत तक तो नहीं जाना है क्योंकि धूप बहुत तेज है, गर्मी हमारी पता कितनी ज़्यादा है गाइज। गाइज यार गाइज मेरे को बड़ा गंदा लगता है, गाइज नहीं बोलना मैंने। ये देखो खुमानी दिख रही है आपको, ये देखो तैयार हो चुकी है, ये क्या आवाज़ आ रही है, मस्त गाने गाते आ रहा है वहाँ से। पता नहीं क्या वन में कुछ गा रहा है, और गा। तो अभी मम्मी वगैरह इधर बैठे हुए और मैंने ना ट्राइपॉड कहाँ लटका के रखा हुआ है। मम्मी ये कर रहे हैं राजमा, ये देखा। अभी हम लोग जा रहे हैं खेत की तरफ, सोचा घर बैठे बैठे ऐसे बोर हो गए, थोड़ा टहल वहल लेते हैं। मुन्नू है, मैं हूँ, और उज्जल आ रहा है अभी। इस वाले फूल से ना मेरे को बचपन की मतलब खुशबू से बचपन की याद आती है, क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना तो तब से, मतलब ये पेड़ बहुत पुराना है ये वाला पेड़, तब भी इसकी खुशबू आती थी ऐसे तो। और फिर हम खेल रहे होते थे इसको तोड़ के, गजरे वजरे लगाते थे, तभी मेरे को वैसे आ जाती है बचपन की याद आती है ऐसे। ये उजी है, अब मैंने इन दोनों के नाम रख लिया, इसका नाम जैसे मेरा डब्बा है इसका नाम है चिपका, मुनू का नाम है चिपका। भाई अभी बहुत छोटे छोटे से मेरा मन तो भाई 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 नहीं मत कर, चलो एक टेस्ट करते हैं। इसके सर की मीठे है, खट्टे होते हैं। हाँ। सच में उन्हें बहुत मीठा है। भाई आवाज पता कितनी सुंदर आ रही है, प्यारी आ रही है। पैर टूट गया है। चल मत रखा, अभी खत्म करके सारे। प्लम एक एक निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे हम। एक निकालती हूँ मैं खुद के लिए। अब एक चैलेंज करते हैं, कौन सबसे पहले खत्म करेगा। और अरे इस चैलेंज लो तो, और पूरा खाना है, पूरा खाना है, जल्दी कोई नहीं है, जल्दी कोई नहीं है। एक मिनट का डोर, अच्छा गो मुंह बनी ना थी, तू बात की भूख है, जल्दी ना कोई तू पहले खा ले, नहीं है मुंह में ना, तूने पहले ही बाय 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 करे पूरा चला की भूख है दीदा। ये पूरा थक गए अभी, पानी वानी पी लेते यार, इस तरह से पानी पीने का जो मजा आता है ना, और बहुत ठंडा ठंडा पानी आ रहा है इसमें भी। बैठेंगे यहाँ पे मस्त गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, और लड़ाना है तो खुद को लड़ाओ।
हम डिनर कर रहे हैं। डिनर आज मम्मी ने बनाया आलू और चावल। पहले से बोली थी क्या बनाएं, तो मैंने वैसे आलू की सब्जी बना दी, तो हमने आलू की सब्जी बना दी। और अभी टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक है, मतलब दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतना अजीब लग रहा है ना, मतलब हम कभी भी ऐसे नहीं होते थे घर में, मतलब हम तीन की आदत ही, अब ऐसे लग रहा हम दो ही और अकेला लग रहा है। तो आज हम मतलब इस रूम में सो रहे हैं बहुत टाइम बाद, मेरे को ध्यान भी नहीं, लास्ट टाइम कब शायद शादी के टाइम सोए होंगे, उससे पहले तो पता नहीं कब, क्योंकि यहाँ हम नहीं सोते हैं तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ इस रूम में विंडो है और फिर इस वजह से हम यहाँ सो रहे हैं। फिर यहाँ ऐसे मेरे को ना अकेले अजीब सा लग रहा है, तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि सामने ये तव वगैरह होते हैं, तो फिर पानी नहीं लाया हूँ यार। बैक तो आज सुबह ही पूरे घर में सबसे पहले मैंने बाहर लगा दिया, वाइपर मार दिया, पोछा वगैरह, क्योंकि टाइल्स ना बहुत गंदी हो रखी थी। एक तो कल रात को कितना तेज तूफान आया, धूल वगैरह आई, मैंने मुंह तक नहीं धोया, तक गंदी शक्ल आ रही है, इसलिए दूर से कर रही हूँ। तभी जाते हैं, सबसे पहले मैंने पोछा ही लगाया, मम्मी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। बिल्ली सुबह सुबह शिकार कर रही है, पता नहीं छिपकली मार रही है या कुछ कीड़ा ज्यादा पकड़ा हुआ है इसने, तो उसको मार रही है, तो अभी खाना खा लेते हैं। अभी हम लोग लगे खाने, बने आज काली दाल और हमारी लस्सी। अरे मैंने नहीं खाए इतने चावल मम्मी, मैंने दो फुल्के खाए, मैं इतने चावल नहीं खा ही नहीं पाऊंगी मैं। और अंदर मतलब अभी तो टेम्परेचर ठीक है, बट फिर भी ऐसे बाहर बैठ के खाने का मतलब ऐसे हो गए थे, अंदर अकेले खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने बोला कि चलो बाहर बैठ के ही खाते हैं। इस पेड़ पे इतने सारे घोंसले हैं ना, मतलब इतने जो सुबह चिड़ियों ने अपना रोना पाया होता है ना, इतनी सारी मीना खाली करनी है, कपड़े वगैरह नीचे निकालने, क्योंकि कुछ कपड़े ना उधर भी एक उसमें रखे हुए थे, तो वो अभी मैं ऐसे ही उसको खोला और मैं उसमें राशन रखने वाली थी, एक बॉक्स है वो मम्मी का शादी के टाइम का बॉक्स है, मैं उसमें राशन रखने वाली थी, लेकिन जैसे मैंने उसमें खोला उसमें मेरे कुछ कपड़े मिल गए पुराने। ये देखो अब तो मेरे को आएगा भी नहीं यार, और मैं इसको बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि यार मेरे पास एक ऐसा ड्रेस भी तो था, बट ये मेरे को मिल नहीं रहा था, फिर मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया होएगा, शादी के टाइम ऊपर नीचे कपड़े बहुत हो गए थे, तो फिर मेरे को ऐसे लग रहा था कि मम्मी ने पक्का है मेरा किसी ना कि, आपको पता है जो मम्मी ने ये बनाई है ना उसे, इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं और मम्मी मेरे को उनको खोलने दे रही, मेरे को याद आता था यार वो वाली टॉप भी तो थी, वो वाला ड्रेस भी तो था, तो वो इसमें घुसाए हुए मम्मी ने। वैसे मैं इस ड्रेस को लेकर भी सोच रही थी यार पता नहीं मम्मी ने फेंक दिया होना कहीं, बट फिर आज मुझे मिला। अभी मैंने ये सारे नीचे निकालना है, फिर इनको फोल्ड करके वापस रखना है, अकेले तो नहीं होएगा, मम्मी की हेल्प लूंगी मैं इसमें। पता और पता उसमें क्या मिलेगी, वाली टी शर्ट हमारी फोटो लगी हुई, ये प्रमोशन की थी बहुत पहले, जब मेरे पास मेरा पहले वाला अकाउंट था उसमें उस टाइम की थी, बहुत सुंदर सी है। ऐसे ना मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, लेकिन जब मैं अपने पुराने कपड़े पहनती हूँ मैं बिल्कुल भी फिट, मतलब कितना ज़्यादा दम घुट रहा है मेरे स्ट्रेस में, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तब मुझे लगता है नहीं यार मैंने सच में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। ये कौन आया, क्या नाम है आपका, नाम तो बता दो। बस अभी हमने शुरू ही किया है, मम्मी ज़्यादा कर रहे हैं, मैं इतू से मैं थक गई, हाँ मैं तो थक, और मेरे को ऐसा दुख लग रहा है ना यार अपने कपड़े देख के यार गाइज, यार सारे कोई भी सूट मेरे को फिट नहीं आता, मतलब वैसे तो ये विंटर्स के, बट फिर भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि विंटर्स तक मैं इनमें फिट हो पाऊंगा। भाई सो जाते हैं, बिस्तर लगा देते हैं, मैं तो बिछाया हुआ है गद्दा इधर, नहीं ज्यादा तेज गर्मी हो रही है ना कि पूछो ही मत, मतलब रूम के अंदर तो बैठा नहीं जा रहा, बाहर थोड़ी बहुत सी हवा चल रही है, उससे थोड़ा सा जीने का मजा आ रहा है, सोच रही हूँ खीरा काट देती हूँ, बाकी कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, रोटी तो ऐसे लग रहा है कि भाई नहीं ऐसे, मैं तो मम्मी भी रेस्ट कर रहे तो मैं कुछ खीरा काट देती हूँ। Mm-hmm.
इतनी, चलो फेस वॉश कर लेती हूँ पहले। साढ़े छः का वक्त हो रहा है, पीछे मुड़ के देखो आ गया। तो अभी हम आए थे थोड़ा सा इधर ऐसे घूमने वॉक पे, और ये है मेरे साथ बच्चे वगैरह। इतना शरारत, आशु इतना शरारत कर रही है, बहुत ज़्यादा शरारती होगी अभी। और अभी शाम के टाइम टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, और हमारे डब्बे भैया दौड़ते आ रहे हैं। ये देखो इतने सुंदर लगते हैं ना थोड़े, अभी भी देखो ऐसे भागे जा रही है, ये रुकती नहीं है। गोले आ जा साथ। आज जैसे दादी बहन ने अपने पुराने घर की, जहाँ इनका आग वाला किचन हुआ करता था, उसको उखाड़ दिया है। कर रही हूँ दांतुन अखरोट के पत्तों की, इससे जो एक नेचुरल सा मतलब कलर भी आता है बहुत प्यारा सा, और माउथ एकदम फ्रेश भी हो जाता है। ये रही हमारी खुमानी, इसको खाने दो सोन पपड़ी। मेरे को खाने दो, हम लोग फोटो ले रहे थे, बोलती मेरे को खाने दो। हाय गाइस, कैसे लग रहे हो? तो अभी मैं आई हूँ चटनी ले जाने, क्योंकि आंटी ने चटनी बनाई है अनार वगैरह पुदीने वगैरह की। सबसे महंगी चटनी है ये, पता है ये जो अनार दाना ना, ये 1000 रुपये किलो है। ऐसा जब महंगी चटनी खाएंगे तो मैं चटनी लेने आई थी, और दादी वगैरह बाहर, साथ ही साथ हम आए थे पानी के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब डायरेक्ट नल है, तो डायरेक्ट नल मतलब सही बोल रही हूँ पता नहीं, मतलब पानी इस वाले इसमें ठंडा पानी आता था, तो पानी के लिए आई थी। और मुन्नू और दादी इधर बैठे हैं, और मम्मी वहाँ पे भर रहे हैं पानी, और मेरी चटनी, और बड़ दादी गाय धो के आ रहे हैं। खाने में आज बनी है पीली दाल, और मैं खाऊंगी वही सुबह वाली काली दाल, क्योंकि मेरे को पीली दाल खाने का मन नहीं है। तो अभी मम्मी और मैं बाहर बैठ के ही खाना खा रहे हैं, और क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बाहर ठंडी हवा चल रही है, लोग बैठे हैं और पापा वगैरह का वेट कर रहे हैं बस। हम लोगों ने उनको वहाँ आते हुए देखा, अब वो लोग पहुँचने वाले हैं। तो देखा 11 बज गया, 10:59 हो रहा है वक्त अभी, और वो लोग निकले थे शिमला से 7:00 बजे, वो दिखी मुझे गाड़ी आगे पीछे से गाड़ी आगे खुशी। ये आ गए, मम्मी जा रहे हैं वो थोड़ा सामान वगैरह लेने। इधर बन रही है अभी थोड़ी ब्लैक टी। अब आंखें ऐसी हो रही है बंद, मतलब आज ऐसे आएगी तसल्ली वाली नींद आएगी, वरना इतने दिनों से थोड़ा बंद ऐसा बारी बारी से। तभी सब लोग बाहर है, ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही, मेरा थोड़ा ऐसा रहता है ना, तो फिर अभी बस ऐसा हो रहा है कि बिस्तर पर सो जाए। इतने दिनों बाद मैंने आज मम्मी के मुँह से ही सुना, और मक्खी।